चलिए माय डियर स्टूडेंट, पार्ट बी का रिव्यू हम करेंगे। पार्ट बी देख लीजिए, आपने ऑलरेडी एग्जाम लिखे हैं, 20 मार्क्स का पार्ट बी था। यहाँ पर देखिए, इफ 3x प्लस के वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और पैरेलल लाइंस इन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन रहने के बाद आपको मालूम करना है इसकी वैल्यू के। तो यहाँ पर देखिए, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, इस तरह ले लेंगे हम। ए वन बाई ए टू का मतलब 3/2 यहाँ पर ले सकते हैं, बी वन बाई बी टू के बाई 3, 2 × 2 × 2 3 × 3 = 9, ये के इज इक्वल टू 9/2, ये 9/2 सी वाला आंसर यहाँ से करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए, विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर यूनिक्यू सोल्यूशन ये हो गया क्योंकि 5 यहाँ पर है, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, a माइनस बी, दो इक्वल है, कैंसिल करना है 3 और 3, 5 और 5 कैंसिल, यहाँ पर बच गया 2.6 ए वाला आंसर, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। a नेचर ऑफ द रूट्स, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac में आपको लेना है, बी स्क्वायर 3² माइनस 4ac 2 × −5, 3 × 3 = 9, −2 − +, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40, 49, डी ग्रेटर देन 0 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, द रूट्स आर रियल एंड, ये होगा रूट्स एंड रियल। ये वर्टिसेस क्या है, सेंट्रॉइड, देखिए 5 प्लस यहाँ पर लेना 5 प्लस 1 प्लस 3/3, 6 + 3 + 6 + 3 + 6/3, ये दोनों को ऐड कीजिए, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9/3, 9 और 15/3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3, 5 b, इस तरह आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेक्टर a इज इक्वल टू एक्स डिग्री बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर इन द फॉर्मूला ऑफ, एक्स क्या होगा, एंगल ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल होगा सी, ये मोड सबसे ज्यादा टाइम 7 है, 7 मोड होगा इसका बी। यहाँ पर, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल 2πr आर प्लस एच इन दिस फॉर्मूला, एच क्या होगा आपको पता ही है, एच हम क्या लेते हैं, एच को हाइट को लेते हैं हम, हाइट डी। यहाँ पर देखिए, नाइन्थ में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एम्प्टी सेट, इसके अंदर एम्प्टी सेट एन इवन प्राइम नंबर ऑड नंबर, एम्प्टी सेट कौन सा होगा, तो यहाँ पर ये होगा एक्स लेस देन आर 0 सी। द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x + 4y - 13 = 0 एंड 3x + 2y - 7 = 0, इसके अंदर होगा x = 1 y = 2, इसको एक्सपैंड करना है आपको, एक्सपैंड करने के लिए 350 का अगर इस तरह एलसीएम लेना है आपको, तो 5 यहाँ पे क्या होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 2, 5 × 5 = 5, 35 × 5 = 7, 7 × 1 =, तो log 2 होगा ये, log 2 प्लस यहाँ पे log 5 स्क्वायर होगा प्लस log 7 होगा, इसको log 2 प्लस 2 log 5 प्लस log 7, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो इसके अंदर देखेंगे तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, b वाला, तो यहाँ पर b आप लिखेंगे, यहाँ पे a। यहाँ पर देखिए, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, क्या ये ए स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन, इस तरह ले सकते हैं, 4² + 3² ले सकते हैं आप, 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9, ये दोनों को ऐड करेंगे 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा सी, इस तरह आप इसको सिंपल वे में कर सकते हैं। ये देखिए, ए डी 6 है, डी बी 2 है और ई सी ए इस ए डी 3, ए डी 3 डी बी 2 ए सिक्स और ए एक्स, ए 3/2 इज इक्वल टू 6/x बाय द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, 3x इज इक्वल टू 2 × 6 = 12, 3 × 1 = 3, 4 × x इज इक्वल टू 4, तो ये होगा ए, यहाँ पर से ए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बेस ऑफ द रेडियस 6 cm, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका आंसर आएगा डी, यहाँ पर आपको डी लिख लेना है, सॉल्व कर लेना है इसके अंदर। द एंगल ऑफ बिटवीन टेंजेंट ऑफ द सर्कल रेडियस ड्रॉन द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं 90 डिग्रीज का ड्रॉ करते हैं बी, द इसके अंदर सबसेट कितने, 1, 2, 3, आप इस तरह सबसेट लिखना है, 1, 1, 2, 1, 3, इस तरह सबसेट पूरे अगर कंप्लीट अगर आप लिखेंगे तो इसके सबसेट टोटल 8 आते सी।
द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, इसका मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट क्या होगा आपको लिखना है। मिड पॉइंट मतलब 4 + 10 + 4/2, 7 - 3/2, ए 14/2, ए 4/2, 2 × 2 = 7, 2 × 2 = 7, 2 × 2 = 7, 2 ए। ए कॉट ए -15 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉट्स का क्या हो जाएगा साइन 90 - 15 कितना होगा, माइनस करना है, और माइनस करके इसको सॉल्व करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, ये आपको लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट ए वाला होगा बी वाला, यहाँ पे आपको लिखना है ए डी। ए फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 32, ए 32 है और कॉमन रेशियो है 1/2। देन एट टर्म, एट इज इक्वल टू ए आर पावर ऑफ क्या होगा 7, ए की वैल्यू है 32 × 1/2 × 7, 32 × 1, 7 को 2 टाइम लिखो 128। अब इसको अगर आप कैंसिल करेंगे 4 6 = 4 8 = 32, 4 3 = 12, 4 2 = 8, 8 1 = 8, 4 = 1 4, 1/4 डी, इस तरह आप इसको लिखना है।